मेरी कविता समर्पित है उन लाखों भारतीय पुलिस के योद्धाओं को जो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक असाधारण युद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में, या फिर किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थरों, तलवारों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों के परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी सैकड़ों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, फिर भी हम खाकी वाले वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बेटी ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूँ कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरों में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा ही गड़बड़ाते, गरम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे फेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना कि हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।